सो व्हाट इज अप गाइस, आज के इस वीडियो में अपन अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे बेवकूफ के इस शॉर्ट्स को। और दोस्तों ये शॉर्ट्स आता है बेवकूफ की तरफ से। बेवकूफ ने काफी अच्छी क्वालिटी मेंशन कर रखी है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, बट दोस्तों रियलिटी में अपन देखेंगे क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या ये आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों पूरा इस शॉर्ट्स को अपन रिव्यू करेंगे और दोस्तों बताऊंगा इसकी क्वालिटी, इसकी प्राइस और दोस्तों आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। तो सारा कुछ डिटेल में जानेंगे इसी शॉर्ट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें यार, और वीडियो बने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये जो बेवकूफ से पार्सल आया है ये मेरे हाथ में है। और दोस्तों इसको यहाँ से मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है क्योंकि दोस्तों मैं इसको इजीली ओपन कर पाऊँ। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें से निकालते हैं इस शॉर्ट्स को बाहर, और बाहर निकालने के बाद आपको इस सेकेंडरी पॉलीथीन के अंदर आपको देखने को मिलता है ये शॉर्ट्स कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर अपन इसको ओपन करते हैं और बाहर निकालते हैं कि देखते हैं कैसी इसकी क्वालिटी है, क्या इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है और क्या इसकी प्राइस है, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर अपन बाहर निकालते हैं, इस पॉलीथीन को साइड में करते हैं। और दोस्तों बाहर निकालने के बाद सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है ये मिलता है आपको नेवी ब्लू कलर, जो कि काफ़ी अच्छा कलर होता है। और दोस्तों इस कलर के प्रोडक्ट मैं काफ़ी ज़्यादा वेयर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये इस तरह से आपको ये शॉर्ट्स देखने को मिलता है। और इसको पूरा ओपन करते हैं तो आपको फ्रंट की साइड कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में। और दोस्तों अगर बैक में बात करें तो दोस्तों बैक से आपको यहाँ पर कोई भी प्रिंट देखने को नहीं मिलती है बैक के अंदर। उसके बाद दोस्तों फ्रंट में आपको यहाँ पर कुछ प्रिंट देखने को मिलती है, अदरवाइज दोस्तों इसके अंदर कोई भी प्रिंट देखने को मिलते हैं। हालांकि ये दोस्तों ये जो है बेवकूफ ब्रांड का नहीं है, यहाँ पर ऑल स्टाइल करके एक ब्रांड है और बेवकूफ के ऊपर लिस्ट है ये। और दोस्तों उसका ये प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में तो दोस्तों इसके ऊपर आपको ओनली यहाँ पर फ्रंट साइड में प्रिंट देखने को मिलती है, अदरवाइज किसी प्रकार की प्रिंट देखने को नहीं मिलती है आपको। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसके पॉकेट्स की, तो दोस्तों एक पॉकेट में आपको यहाँ पर जिप देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरे पॉकेट के अंदर आपको यहाँ पर जिप देखने को नहीं मिलती है, बट दोस्तों काफ़ी अच्छे यहाँ पर पॉकेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू में और ज़्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको बात करें इसके मटेरियल के बारे में तो दोस्तों इसमें प्योर पॉलिस्टर यूज़ किया गया है, और वो भी दोस्तों स्ट्रेचेबल वाला पॉलिस्टर यूज़ किया गया है। ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है बट दोस्तों हल्का सा स्ट्रेचेबल वाला इसमें पॉलिस्टर यूज़ किया गया है, और पूरा का पूरा पॉलिस्टर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर इलास्टिक यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा इलास्टिक यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। अदरवाइज दोस्तों इसके अंदर काफ़ी कुछ देखने को नहीं मिलता है, ओनली पॉलिस्टर के कपड़े के साथ मटेरियल के साथ आपको ये जो प्रोडक्ट हैं जो ये शॉर्ट्स हैं दिया गया है। अदरवाइज दोस्तों और भी इसमें कुछ भी यूज़ किया नहीं गया है, बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कपड़ा है या जो पॉलिस्टर यूज़ किया गया है यहाँ पर, अगर आप गर्मी के दिनों में इसको यूज़ करते हैं तो दोस्तों मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही है, क्योंकि दोस्तों पॉलिस्टर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और ये जो पॉलिस्टर है एक कलर्ड पॉलिस्टर है जो कि दोस्तों इसमें पॉलिस्टर के साथ कलर भी किया गया है, यानी कि दोस्तों ये ब्लू कलर का जो पॉलिस्टर है ये पॉलिस्टर काफ़ी ज़्यादा गर्मी देता है, और दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी आपको लगेगी। तो दोस्तों मैं नहीं समझता हूँ कि आपको ये वेयर करना चाहिए अभी इस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में। आप इसको सर्दी के सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों मैं नहीं समझता हूँ सर्दी गर्मी या फिर बारिश के अंदर आप इसको यूज़ करें। तो ओवरऑल ठीक है, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अगर मटेरियल भी ठीक है अच्छा है। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो दोस्तों 349 रुपीज़ के अंदर, यानी कि दोस्तों 349 रुपये के अंदर मैंने इसको परचेज़ किया है, और इसकी प्राइस इतनी है नहीं। यहाँ से अगर बाहर से आप कहीं से लेके आएंगे तो 100-150 रुपये के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज दोस्तों इसमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। आप क्या क्या ओपिनियन है बेवकूफ के शॉर्ट्स के बारे में नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो बनाया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।